नमस्ते, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको जो ये फ़ोटो दिख रहा है, ये एक फेमस यूट्यूबर है पोरास सिंह, जिन्होंने एक कारनामा कर दिया। सो बात हुआ ये कि आपको जो फ़ोटो दिख रहा है, ये एक है अरुणाचल का एक्स MLA, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किए थे कि जी अनबैन ना किया जाए इंडिया पे। सो बात शुरू होता है यही से ना, ये इंडिया का मैप निकलता है, निकल के बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, ये अरुणाचल क्या चीन पे है क्या। नेक्स्ट ये फ़ोटो निकाल के बोलता है कि ये जो ड्रेस सेंस है, ये दिखने में अजीब है, चेहरा भी इन लोगों का चाइनीज़ जैसा लग रहा है। ये वीडियो अपलोड करने के बाद उसको मिल जाता है बहुत सारा हेट। सो भाई साहब ने क्या किया, अपना अकाउंट से ही पुराना जो वीडियो था उसने डिलीट करवा दिया। नेक्स्ट एक दिन पहले उसने एक सॉरी का वीडियो अपलोड भी करता है अपने अकाउंट पे। और सो आप देख पाओगे, उसका मम्मी रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका बेटे जो है अकेला है और उसको माफ़ कर देने के लिए। सो आप पहले उसका मम्मी का जो वीडियो है उसको आप लोग देखिए। नमस्ते, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ। कल पारस ने एक वीडियो डाला हुआ था, उसने कुछ उसमें गलत बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का वीडियो बनाया है, और जब मुझे पता लगा तो बहुत मुझे भी दुख लगा कि वो ऐसा लफ्ज क्यों बोला। जो भी बोला गलत बोला, उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी उससे गलती हुआ, वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट हो रहा है, कुछ लोग घर पे आए थे और पारस को उठा के ले गए हैं, ये बोल के कि हम चौकी से आए हैं, मुझे वहाँ से पुलिस ने भेजा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ मेरे बच्चे को लेके गए। मेरा एक ही बेटा है मेरे इस दुनिया में, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है, ना और कोई सहारा है मेरा। मेरे लिए वो ही है, उसके लिए मैं हूँ। बस मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है, उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। जो भी वीडियो डालेगा, सोच समझ के डालेगा। बच्चा है वो, ना समझ है, उनसे गलती हो गया है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए आप लोग सब मिलके। बहुत सुबह से परेशान भी था, बहुत दुखी भी था, और दुख वाली बात भी है अभी। लेकिन मुझे नहीं पता कौन उठा के ले गया मेरे बच्चे को। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट किरण रिजू सर ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बोला गया कि पारस सिंह जो है उसको पंजाब पुलिस ने जो है कस्टडी में ले लिया है, और नेक्स्ट पंजाब अरुणाचल प्रदेश का जो पुलिस टीम है पंजाब पहुंचने वाला है उसको मूवमेंट करने के लिए। सो ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन सब के लिए जो समझता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया से बाहर है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। सो थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतना मतलब ये मतलब मोमेंट जो है इसको इतना सीरियस लेने के लिए। होप सो कि फ्यूचर से ऐसा प्रॉब्लम ना हो।